रोजगार नहीं दे रहा। अरे राजपूतों के बाढ़ वीरान फिर रहे, 5 साल में एक भर्ती नहीं कटी, एक भी रोजगार, एक भर्ती नहीं कटी। 5 साल हो गए योगी सरकार बने को, भाजपा को 5 साल हो गए, अगर कोई बताता है एक भी भर्ती लिखी फौज में। मंदिर बना रहे आपके लिए? अरे मंदिर बनाओ जो वहाँ जमा मंदिर बना दिया, मंदिर नहीं पर जो ये बाड़ा कह इनकी तो उम्र है, योगी सरकार को भर्ती निकालनी चाहिए। तो फिर कौन वोट दे देगा भाई, कौन वोट दे देगा योगी को? आप तो देओ, हम नहीं देने का, हम नहीं देने का, नहीं देने का भाई, नहीं देने का। कुछ देगा क्या? कुछ नहीं दे रहा भर्ती ना देवा, एक भी मारा गन्ने का पैसे दुआ दो, मारा गन्ने का पैसे दुआ दो। अरे ये है खामा खा वाले, कोई फाइनल नहीं भाई साहब, कहीं में नहीं है। बताओ 3 साल हो लिए हमारे, भर्ती टूटा तो टूटा, तो जूते फटे फटे सील सील के दे रहे, घर के खर्चे देती देती बिना हट जा। बताओ करके कहाँ कहाँ जाओगे? अब जो मेरा भाई है योरा, दूसरी इसकी भी उम्र होली, हमारी उम्र निकल ली, भाई जी चल गई। बताओ हम क्या करेंगे? भाई से काय में भर्ती करेगा? बताओ जी, फिर भी योगी को वोट देंगे? इसे मान क्या रहा तू? चलो आंसर तो कितने सा रहा है, मार्जिन तो दो बार बनवा ली, मार्जिन बनवा ली दो बार, और फिर भी मोदी को योगी को देंगे वोट, मोदी को योगी को देंगे नौकरी नहीं मिलेगी। दो बार माफ, हाँ दो बार बनवा ली, नौकरी नहीं चाहिए मोदी और योगी चाहिए, यही तो कर रहे हो। किस लिए चाहिए आपको? देश को चला रहा, देश बचा रहा है, मेरा देश को चला रहा है। कैसे चला रहा? अब योगी रोड देख ले, सड़क देख ले, कुछ ही देख ले। अब योगी की इससे क्या होगा? देखिए ये कह रहे मेरा दो बार पहले इतना कांड हो रहा था, मेरी वोट हो जाएगी, मोदी मेरी वोट हो जाएगी, जागी नहीं जाएगी। आप ये बताओ ये जो है यूनिवर्सिटी बन रही है, ये किस खत्ता बन रही है? एक बात भी तो है, पहले इतने कांड हो रहे थे, अब जब कांड हो रहे हैं, किसी की माँ बहन को छेड़ रहे थे, अब जब छिट रहा है योगी राज में, मोदी राज में छिट रही है, पहले जब तो है किसी के राज में ही क्या कर रही, जो सामान जा रहा, जो उसकी बहन जा रही, क्या टोप गुंडागर्दी, अजी हुआ वो तो नहीं। अब तो बस यही सुनना आए थे अपना, और क्या अपना रोजगार सही होना चाहिए, मजदूरी बढ़नी चाहिए, रोजगार मजदूरी बढ़ने रही क्या? कहाँ बढ़ रही, 400 रुपए की मजदूरी क्या हो रहा, पैसे नहीं बढ़ रहे। हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं बढ़ रहा ना मजदूरी, कहाँ बढ़ रही, 400 रुपए? नहीं जी, बच्चे पढ़ी रहे अभी तो, नौकरी मजदूरी कर रहे हैं, तो सही नहीं है क्या सरकारी है? अजी सरकार क्यों ना सही है, तो सब बढ़िया दे रहे वैसे। अभी तो आप कह रहे कुछ ना मिला। नहीं वैसे मजदूरी को कह रहे, मजदूरी 400 रुपए की हो रही है, 400 रुपए की मजदूरी में क्या हो रहा, जिसमें 6-7 बच्चे हैं। बताओ मजदूरी बढ़ाओ, बच्चे पढ़ने वाले, बताओ हम मिड्डा मील, सुनो हम मिड्डा मील, रोजगार हम मिड्डा मील में खाना बनाते हैं, 2000 रुपए में क्या हो रहा बताओ? हाँ जी, हाँ जी, जो सरकारी स्कूल में जूनियर में खाना बना रहे हैं, और 2000 में क्या पढ़ रहा, जो 150 रुपए, हाँ जी पैसा बढ़ना चाहिए, अरे सरकार करे पैसे, और तनख्वाह मिल रही वो 6-7 महीने में मिल रही, तो उसका क्या हो रहा? तो फिर बढ़िया कैसे है सरकार? बढ़िया तो सही होने चाहिए, कम से कम भाई 10 भी ना तो 5000 तो जरूर होने चाहिए मिड डे मील वालों के। आप बढ़िया क्यों कह रही हैं? और भाई यो है वो तो जब दे ही नहीं रहे, सरकार बेकार है तभी व्यवस्था खराब होती है। अजी ना खैर, सरकार तो सही चल रही है, सरकार तो सही चल रही है, सब घूम कर ऐसा है जी। सब आप भी खाना बनाती हैं? ना जी, हम तो मजदूर आदमी हैं जी, हम समूह के में है, समूह के महिला है जी, हम समूह चला रखा हमने तो। भाषण दे रहे हैं आप, उठ के जा रहे हो क्या? जब हमारी सुनाई नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या फिर यहाँ से? सुनवाई करना चाहते हैं, यही सुनाई चढ़ चाहते हैं। जब बाल के बाल पड़ रहे, उनका हिलना नहीं लग रहा, मजदूरी नहीं पड़ रही, तो गरीब आदमी क्या कर पाओगे बताओ हमें? गरीबों के लिए निकल रहे काम, अनाज में भी क्या खाई जाओ ना, बताओ आप कहीं मिल गया।
नहीं आप कहते मिल गया नु बताओ मिला कहां है भाई 1600 में मिलता है ना भाई कम से कम मिलता नहीं सब पर नाद नाद फंकी थोड़ी मार जा गया टेके भी चलिए आप बताइए आप अट्टे अट्टे की फंकी थोड़ी मार जा से नाचो की सब भाई बस जा रहे हैं अंदर खुल करे से है सब और सब खुल करे से है समूह की महिलाएं हैं सही है जो हमारा रोजगार चला उसमें होने मिल लिया वेतन का गांव की रोड भी नहीं बन रही हमारे गांव में नाली है नालों का विकास नहीं है और गांव में पानी भरा रहा है और बच्चे वहां से स्कूल भी नहीं जा सकते और दो दो महीने सड़क थमी रह जाए जी ना प्रधान कुछ करता और ना जी विधायक ही कुछ कर रहा विधायक भी आ रहा था और गांव की सड़क सारी खराब हो जाए पथोली है जी विधायक जितेंद्र है जी जितेंद्र सतवाई पर योगी जी कह रहे हैं रास्ते तो हमने ठीक कर दिए सर रास्ता गांव का रास्ता नहीं जी बिल्कुल भी लिकाट नहीं होता जी बारिश गिर जाती है पानी पानी हो जाए जी वहाँ अब पानी लिकाट रहा है बरसात आ तो फिर पानी पानी हो जाएगा जी और बच्चों का स्कूल जाना भी आप नाराज लग रहे हो प्रशासन नहीं जी प्रशासन से बिल्कुल नाराज नहीं जी प्रशासन मान लिया अच्छा जी हाँ जी भैया ऐसा है कुछ नहीं है सरकार ठीक काम चल रही है अब जो विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो रहा है पूरे क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा और पूरे उत्तर प्रदेश में के और दिल्ली में भी होके खाली जाए कि उत्तर प्रदेश विकास होगा बताइए विकास ऐसा होगा वह विश्वविद्यालय बनेगा पूरे पूरे यूपी में एक विश्वविद्यालय बना है दिल्ली में कोई विश्वविद्यालय नहीं है हाँ जी शिलान्यास हो रहा है बनेगा ये शिलान्यास के लिए तो मोदी जी आए हैं इन्होंने कहा था कि हम और 15 लाख रुपए भी देंगे 2 करोड़ नौकरी भी देंगे कुछ नहीं मिला नहीं मिल रहे हैं अब देखो यहाँ से जितना ये अगर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है यहाँ पे तो ये लोगों को रोजगार मिलेगा और आपसे पहले ही क्यों कर रहे हैं क्यों जी ये तो शुरू 5 साल हो गए ये तो भाई साहब रूटीन में चलता है चलता रहेगा ये रूटीन में चलता रहा अब ये केंद्र सरकार की योजना है को केंद्र का चुनाव तो यूपी में है एक साल पहले करते तब तक नहीं नहीं ये केंद्र सरकार की योजना है कि यूपी सरकार की योजना है केंद्र सरकार को तो 7 साल हो गए ना क्यों जी तो अभी तो केंद्र सरकार का जो लास्ट को तो लास्ट 2024 में है तो उसमें क्या दिक्कत है अब काम करते करते धीरे तो लगेंगे सड़कों का जाल यूपी में क्यों बनवा रहे हरियाणा में बनवा देते क्यों हरियाणा तो पहले विकसित हमसे हरियाणा हमसे पहले विकसित है और यूपी विकसित है यूपी का विकास कर रहे मेन मुद्दा है कुछ मकसद है बीजेपी का है जी हाँ मकसद है सबका साथ सबका विकास मकसद है बीजेपी ऐसी पार्टी है सबका विकास करके चल रही है कोई दिक्कत नहीं है किसे जी नहीं 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 सबको सबको टिकट दे रही है सबका कोई दिक्कत नहीं है सुनो 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 जितनी योजना चल रही है सबका साथ होकर चल रहा है जितना भी राशन जा रहा है सब मोहन मिला है जी क्या जी ये नकवी जी है कैबिनेट में है हैं जी सुनो सुनो जो भी सरकार की योजना चल रही है सबको समान रूप से मिल रहा है चाहे वो तुम्हारा राशन हो टिकट का काम जो केंद्र का हमारा नहीं है टिकट का काम केंद्र का है यूपी सरकार का हमारा नहीं है टिकट देखने का है जी हमें इन लोगों के हाथ मजबूत करना देश जो देश सुरक्षित हाथों में है कोई दिक्कत नहीं है इनको वोट देना ना सपोर्ट देना सरकार है जी अब सैनिकों के ऊपर बात है भैया सैनिकों की कोई दिक्कत नहीं हाँ मजबूत हाथों में यो माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय प्रधान इतने ब्लड प्रूफ जैकेट जो है सैनिकों को दिए हैं ब्लड प्रूफ जैकेट दिए हैं ब्लड प्रूफ गाड़ी दी है और आधुनिक हथियार तो सोशलिस्ट किए हैं अजी भाई साहब एक राइफल तीन दिन जवान थे पाकिस्तान का 2 टुकड़े कर दिए थे भारतीय सेना ने तब उनके पास नहीं बंदूक किसका जी आपको पता है कुछ 1971 में युद्ध हाँ 1971 में युद्ध होता पता है बांग्लादेश अलग बना दिया हाँ तो फिर वो तो बाद की बात है 1971 को कितने दिन हो गए ये बताइए 50 साल हो गए हाँ जी मणिपुर में चाइना घुसा है चाइना पे तो रोड बन गया चाइना तो जो सीमा है सीमा पे तो रोड बना दी है पक्की चाइना में सुने इंडिया के अंदर जो चाइना का इंडिया का बॉर्डर है जी पास पे रह गया इंडिया का क्या रह गया चौकी आती है अब 4 रह गई है 5 बाबा वो तो देखो जी वहाँ सीमा पे जाके पता करना पड़ेगा मैं सीमा बहुत नहीं सुनो मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर रही बीजेपी बहुत बड़ी पढ़े लिखे लग रहे हो सर है जी पढ़े लिखे लग रहे हो नहीं पढ़े लिखे दिक्कत है पूछो क्या पूछना चाहते हो पर आप कह रहे पता करना पड़ेगा अरे भैया यार सीमा की बात है इतना बर्फ पड़ रहा है वहाँ इतना नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है हम चाइना से बातचीत कर रहे हैं कि बातचीत से फैसला हो जाए जी हमारी सीमा में घुसे उन्होंने नहीं नहीं भैया हम मजबूत नहीं आप ही बोल रहे हैं हमने ऐसा कुछ नहीं सुना हम
हमने ऐसा कहीं नहीं सुना, चीन हमारी सीमा में घुसा हुआ है, ये सिर्फ अफवाह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सैनिक शहीद नहीं हो रहे, अफवाह है। सैनिक शहीद बहुत कम मात्रा में हो रहे हैं। अरे भैया धारा 370 लटकी, देश सुरक्षित है तो मैं राम मंदिर पर धारा 370 से। अरे भैया जितने सबसे बड़ा तो फायदा है, जो रंडवे उनका भी ब्याह हो जाएगा, जो रंडवे उनका भी ब्याह हो जाएगा 370 से। कितने ब्याह कर लिया नहीं नहीं एक सेकंड भाई, एक मिनट भैया, 370 तो यो फायदा है। एक तो जो भारत जो का उन्होंने अभिनंग है कश्मीर, वो अभिनव होगा, अखंड भारत बन गया। 370 का स्वामी प्रसाद वो मुखर्जी का अफगानिस्तान तक है, हैं जी। तो कोई बात नहीं, आप कश्मीर अब जो ले रहे हैं अगली बार दूसरा लेंगे, अगली बार दूसरा लेंगे। कौन सा ले लिया अभी तक 7 साल में? कैसे जी 370 हट गई, आज तक नेटा भाई कोई भी नहीं। कहा कि 370 हटने से रंडुओं के बिया हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, हमें नागरिकता मिल जाएगी, हमें प्लॉट मिल जाएंगे, हम खरीदा में रहना सहना शुरू कर देंगे, बिया हो जाएंगे, वहाँ क्या दिक्कत आ रही है? अजी अभी तो हटी, 1 साल हटी है और क्या। 370 अरे भैया जब तक लागू हो गए क्यों झूठ क्या बोले, झूठ क्या है बताइए। हमें एग्जैक्ट डेट का पता नहीं है, लेकिन धारा तो हटी है।